नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट एक लेकर आए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट का MCQs वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल में 35,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बन सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भाग 3 है, भाषा 1 हिंदी। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 91 से 99। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही से उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें गद्यांश को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उसका उपयुक्त जवाब हमको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक है। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले, या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जा सकते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेर, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो ये था पैराग्राफ। अब चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया है जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वे कहीं और से आए हैं, उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के, वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, वे भारत में ही जन्मे हैं। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते हैं या सुनते हैं तो मन कहता है कि उनकी उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से कुछ बाहर के हैं और कुछ भारत के हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा, इनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। तबला, झांझ, वीणा, बांसुरी। तो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि हमारी वीणा मिस्र, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान है। तो इसका सही जवाब है वीणा। कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ये गज से बजाए जाते हैं तो पैराग्राफ में दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित में हैं, यह भी सही। आपसे प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, ऐसा
पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्राचीन यंत्र। तो हमने पढ़ा है कि सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक वाद्य यंत्र है। पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा हुआ था ये इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है, सभ्यता और संस्कृति। चलिए इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लिखा हुआ है सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम भी वाद्य यंत्र है। चलिए भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। तो भारत संज्ञा है, अब उसमें ती लग गया है तो ये बन गया है विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा नंबर दो, 94 का नंबर दो। चलिए किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। उपसर्ग जो शब्द या मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और मूल शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें देखते हैं किसमें है, भारतीय, शीघ्रता, विशाल, प्रचलित। तो देखिए प्र उपसर्ग हो गया और चलित, तो इसमें क्या है प्र और ई त, तो प्र हो गया उपसर्ग, ईत हो गया प्रत्यय। तो प्रचलित में लगा हुआ है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिलते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा संस्कृति में, सुमेरी संस्कृति में, पुराणों में, भारतीय सभ्यता में। तो इसका सही जवाब होगा वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। तो ऑप्शन एक सही होगा क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हड़प्पा में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म शब्द का समानार्थी है उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान, प्रयुक्त। तो जन्म का समानार्थी उत्पत्ति होगा। तो इसका सही जवाब एक होगा। भूखंड शब्द में समास है, कर्मधाराय, द्वंद, द्विगु, तत्पुरुष। भूखंड, भूखंड का मतलब होगा भू का खंड, भू का खंड इसका मतलब है तत्पुरुष समास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चार। चलिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 100 से 114 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में खाली स्थान होना चाहिए, जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। चलिए ये जो प्रश्न है वो पेडोगॉजी से है और इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। देखिएगा बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए जिसे उस भाषा अधिगम में कठिनाई ना हो। तो इसका सही जवाब होगा समरूपता, ऑप्शन दो सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, ये भी उपयुक्त नहीं है। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, ये भी उपयुक्त नहीं है। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन चार सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन देखिएगा, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, ऐसा नहीं है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल नहीं है,
दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, ये बिल्कुल उपयुक्त है। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, ये भी गलत है। तो दोनों को हम एक एक करके सीखते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो इसमें होगा द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। चलिए, पद्य गद्य और नाटक हमारी खाली स्थान संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खाली स्थान पहलू को समृद्ध करते हैं। भाषिक, सौंदर्यात्मक, भाषिक, ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौतिक। तो इसका सही जवाब होगा नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलुओं को समृद्ध करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। कोई एक भाषा खाली स्थान लिपि लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेर बदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित 1। तो इसमें होगा सभी। कोई एक भाषा या एक लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है, तो इसका सही जवाब सचेतन कालबद्ध होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, हाँ ये सही हो सकता है। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये भी सही नहीं है। बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त ऑप्शन 2 लग रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, ये भी उपयुक्त नहीं है। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ये बिल्कुल उपयुक्त है। हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। खाली स्थान दिया है सौंदर्य बोधक, सांस्कृतिक, संप्रेषण, कला, तो इसका सही जवाब है संप्रेषण, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकता को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, तो इसका सही जवाब है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, ये सबसे उपयुक्त आंसर है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी, इसका सही जवाब है भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा।
बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है का इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की, ऑप्शन चार इसका सही जवाब है। चलिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, त्रुटि होता ही है, ये वाला नहीं होगा, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ये भी उपयुक्त नहीं है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ये नहीं है। इसका सही जवाब है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, तो ऑप्शन एक इसका सही जवाब होगा। रमेश सातवीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः खाली स्थान से ग्रसित है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेसिया, डिसफेजिया। तो ये जो है डिसलेक्सिया, ऑप्शन तीन सही होगा, पढ़ने संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। चलिए, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 115 से 120, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। चलिए अब पढ़ते हैं। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई, बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंदर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। ये था काव्यांश। अब देखते हैं काव्यांश से संबंधित प्रश्न और उनके जवाब। कवि को कोई कह रहा है कि बाधाओं से दूर रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहा है, धरती और आसमान उसके लिए हैं, तो ये ऑप्शन सही है, लक्ष्य अभी दूर है ऐसा भी नहीं है, अजानी हवा में उड़ो ये भी नहीं। चलिए, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं, ये नहीं है। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं, अवरोध मतलब बाधा ही होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं, हवा, गगन, दिगंतर। तो सही जवाब है दिशाएं, ऑप्शन एक सही होगा। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए, धरा, पथ, डगर, राह। पथ, डगर, राह, ये तीनों एक होता है, समानार्थी है। धरा, धरा मतलब होता है धरती, ये धरती है, तो सबसे अलग यही लग रहा है। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। तो विजय गीत आकाश गा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा एक। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, कोई, तो ऑप्शन एक सही होगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।